फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए दोस्तों, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कैसे हैं, कैसे आप सभी कमेंट कर दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बड़ा सरप्राइज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम एग्जाम तक वॉरियर्स की टीम 10 दिसंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है और उस क्रैश कोर्स का नाम है रैंकिंग क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड। तो आप लोग जानते हो कि मैं अकेला तो कोई सभी क्लास ले नहीं सकता हूं, इसलिए हमारी टीम जो है पूरी टीम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और हम दोनों सर का स्वागत करते हैं। आइए पहले स्वागत करते हैं सागर सर का, तालियों से स्वागत करें आप लोग सागर सर। उसके बाद हमारे साथ है अमित सर, तो तालियों से आप लोग स्वागत करें दोनों सर का। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए हम कुछ बातें जानते हैं सागर सर से कि मतलब क्रैश कोर्स कैसे लें, क्या करें, क्रैश कोर्स की खासियत क्या है, मैं तो हमेशा बताता हूं। तो सागर से जानेंगे। और सागर सर का जैसे आप हैं साइंस बाई सागर सर, ये आपको साइंस का क्लास लेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए सागर सर, आप कुछ बताइए क्रैश कोर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए ये स्पेशली क्लास 10th के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है रैंकिंग क्रैश कोर्स। इसमें आप लोग को बोर्ड में अच्छा लेवल, अच्छा नंबर गेन करने के लिए आप लोग की यहाँ पर हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे जिसके वजह से आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड में। और आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा, आपके मन में ये बात आती होगी कि क्यों इसे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया जाए, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसका बेनिफिट बताया जाएगा। तो आइए कुछ बातें हम इस सर से कर लेते हैं, आइए इनका भी कुछ। जैसे कि आप सभी को दोस्तों हमारे मेघना सर और सागर सर ने बता दिया है कि हमारा एग्जाम तक वैरियर्स पे हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, मैथ एंड साइंस और बात रह गई इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी हम टॉपिक इसमें वही पढ़ाएंगे जो हमारे एग्जाम से क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। ओवरऑल हम सब चीज़ देखेंगे और आपका हमें भरपूर कमेंट्स भी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि आपको किन चीज़ों पे रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम अपना और भी अच्छा परफॉर्म कर सके आप सबके लिए, आप सब बेहतर के लिए। चलिए अमित सर का कुछ क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश के बारे में। जैसा कि अमित सर आपको पता है बच्चे इंग्लिश से मतलब खास करके ज़्यादातर डरते हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एसे से, लेटर से और कुछ इस तरह एप्लीकेशन, इनको डर लगता है एग्जाम में सही तरीके से राइटिंग भी थोड़ा सा नहीं सही कर पाते। उन बच्चों के अंदर से डर आप कैसे दूर करेंगे कि आपका चैनल सब्सक्राइब भी करें, आपके वीडियो को रेगुलर देखें, आप क्या करेंगे लोगों के लिए, वो रणनीति थोड़ा बताइए बच्चों को। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी है वो मैंने बच्चों के लिए बना रखी है और जैसे भी स्टार्ट जब हमारा कोर्स होगा तो मैं आपको वहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि जो टेक्निक होता है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस हो या आप इनडायरेक्ट पढ़ते हो, ये टेक्निक्स वर्ड्स हैं, ठीक है। आप टेक्निक के ऊपर ध्यान दें, कौन कैसे चेंजेस होते हैं उस पर आप गौर करें और डेफिनेटली आप बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। इतना टफ नहीं है आप जो इंग्लिश से दूर भागते हैं। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या वैसे क्षेत्रों में कि लोग फोकस नहीं कर पाते हैं जैसी जगहों पे, तो इनके लिए इंग्लिश सब लगता है कि हाँ थोड़ा सा डर है, बट इतना नहीं है जितना आप सोचते हो। और बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको एक अदर लैंग्वेज भी आनी जरूरी है कि आप जहाँ भी जाओ आप अपना अच्छा परफॉर्म करो, आप जिसमें इंग्लिश बोल सको या आपको नॉलेज हो, ठीक है, जो हमारे बाहर की चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। और रह गए हम डिपेंड करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम्स हमारे बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं हैं बोर्ड एग्जाम्स के, तो हम इसमें जो भी हमारे पास कंटेंट होंगे वो आपको बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे, अपना हम सबसे बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित सर इंग्लिश के बेहतरीन टीचर, 3-4 सालों से लगभग इंग्लिश का क्लास ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो सर आपको क्या लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको क्या अंतर दिख रहा है, कौन सा बेहतर है, इसके बारे में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन में आप अपने घर पे बैठ के वो 40 वाली सुविधा ले सकते हैं जो आपको स्कूल ट्यूशंस जाने पड़ते हैं। बाय द वे आप ट्यूशंस के पास भी एक अपना बेनिफिट है और ऑनलाइन का भी अपना बेनिफिट है। बाय द वे आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंटरनेट ओपन करके अपना यूट्यूब चैनल देख के, कोई भी आप जो हमारा सब्सक्राइब अपने चैनल किया है तो आप जाइए हमारे चैनल पे और वहाँ पे जो भी लिंक आपको मिले, जो भी वीडियो मिले इंग्लिश के वो देखें, तो आप कुछ ही मिनट में आपने घर पर बैठ के ही ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट होता है, आज इंटरनेट का जमाना है हमारा सबसे फास्ट, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ऐसे ही हमारा आजकल यूट्यूब चैनल है जिसमें हम अपने कोर्सेज को पढ़ सकते हैं घर बैठे। अमित सर ने जो बात की 100% सही बात है, आप ऑफलाइन में कोचिंग जाते हैं तो वहाँ भी सही, ऐसा नहीं कि वहाँ गलत, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ऑनलाइन में भी पढ़ा अच्छी बात है कि आप मान लीजिए हमारे चैनल पे गए, अमित सर ने एलटी भाई साहब को पढ़ाया और आप मान लीजिए नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा दोस्तों यही है कि आप इस वीडियो के आप किसी वीडियो को दो चार बार देख सकते हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट स्टडी अमित सर से आते हैं कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अपने अकॉर्डिंग, क्या स्ट्रेटेजी बना के रखे हैं, उसके बाद हम सागर सर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले जो भी मेरे पास आइडिया है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देन आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपसे कुछ रिलेटिव होगा वो आप उसमें हमें शेयर करें और हम बिल्कुल जाके देखेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे अपना जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद अमित सर का कि आपने कीमती समय दिया। आइए हम सागर सर से क्वेश्चंस लेते हैं कि सागर सर देखिए दोस्तों आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, आपके मन में दोस्तों एक चीज और आ रहा होगा कि सर साइंस तो लिख दिया आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या होगा। साइंस तो आपने लिख दिया दोस्तों, साइंस ने आप सोच रहे होंगे सर साइंस लिख तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या योगदान है कैसे है, तो दोस्तों घबराइए मत, हमारी टीम अभी दो फैकल्टी और हमारे साथ जुड़ेगी और आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी पोर्शन बचेगा उसको प्रोवाइड कराएगी। और स्पेशली सागर सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अमित सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के टीचर बायोलॉजी के टीचर आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे जो आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और एग्जाम तक मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, दिल से लाइक किया, लाइक करना मतलब है दिल से लाइक आपने किया, जबरदस्ती नहीं किसी के कहने पर, अगर कंटेंट अच्छा लगा दिल से लाइक किया तो हम लोग भी आपको दिल से प्यार देंगे और 100% 90% प्लस लाने का प्रयास हम लोग 100% करेंगे। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी कोर्स चलेंगे, घबराइएगा मत। तो सागर सर से जानते हैं और जैसा कि अमित सर ने बताया कि मेरी स्ट्रेटजी रहो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको कुछ सुझाव देना है कि सर ये चैप्टर हमको टफ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आज आपके पास ऐसा दिन है दोस्तों हाई स्कूल वालों के पास, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एकदम, अगर आप चाहते हैं अपना भला दोस्तों का तो शेयर कर दीजिए एकदम दिल से, मैं बता रहा हूँ पहली बार तो मैं दिल से बता रहा हूँ दोस्तों कि एकदम दिल के अंदर की आवाज है कि शेयर करिए, वैसे तो क्या जाता है लेकिन आज अंदर से शेयर करिए तभी जो है हम लोगों का भी हो सकता है आपका भी भला। तो आइए सागर सर से हम क्वेश्चन लेते हैं कि साइंस में अर्थात फिजिक्स में क्या, और बता देते सागर सर के बारे में, ये बीटेक कर रखे हैं ऐसे वैसे टीचर ने और 6-7 सालों से लगभग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और धीरे धीरे ऑनलाइन में भी आ गए हैं। तो सागर सर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी फिजिक्स के बारे में, आराम से बच्चों को डिटेल के साथ समझाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग को फिजिक्स पढ़ने के लिए तो उसके लिए पहला तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप डेप्थ में जाइए। देखिए दोस्तों जो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आप दिल से पढ़ना पड़ता है, जिसे आपको समझना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से फार्मूला याद किया और क्वेश्चन लगा लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। फिजिक्स का मतलब उसके बारे में सोचो, जब तक आपको कोई चीज न समझ में आए, फिजिक्स का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि किसी चीज को जानना उसको समझना, वो चीज अगर कोई घटना घटित हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या उसे प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, क्या क्या उसे प्रभाव डाल सकते हैं, किस तरीके से वो रचना हो रही है, उसके बारे में जानना ही फिजिक्स कहलाता है दोस्तों, यही साइंस कहलाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो कंटेंट देने वाला हूँ कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूंगा, यानी कि इफेक्टिव, यहाँ पर हम जो क्लास लेने वाले हैं उसे कहा जाएगा इफेक्टिव क्लास कहा जाएगा दोस्तों, ये इफेक्टिव क्लास होगा, ये बहुत ज्यादा प्रीसियस क्लास होगा दोस्तों, इसे छोड़ने की कोशिश मत करिएगा नहीं तो आप बहुत कुछ अपना खो देंगे दोस्तों। और यही जो आपको है यही केवल बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, आपको आगे के लिए भी बहुत काम आने वाला है दोस्तों, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा आपको, ये बोर्ड में तो आपको नंबर दिलवाकर ही जाने वाला है, ये बोर्ड से तो बोर्ड में आप लोग हमारे चैनल को आप देखिए, अगर आप नहीं पाते हैं नंबर अच्छा, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं पाते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं हम लोग को, पर आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। और उस ये जो हम लोग बताने वाले हैं इस हम अपने रैंकिंग क्रैश कोर्स में, ये जो आपका है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों, तो ऐसे बने रहिए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि सारे बच्चे हुए भी जो बच्चे नहीं जान पाते हैं असली में चीजें होती क्या है, क्या इंग्लिश असली में
इंग्लिश क्या होता है, मैथ क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, वो भी बच्चे इसे जान पाए, उनको भी ये जानने का मौका मिले। तो ये आप ही लोगों से होगा दोस्तों, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों अब आगे क्या बताऊं, हम लोग ज्यादा बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाने वाले, हम लोग करके दिखाने वाले योद्धा है, इसलिए तो यहाँ पर है नाम ये इसे रखा गया है वॉरियर्स। हम लोग करके दिखाएंगे दोस्तों, बोलेंगे नहीं, हम लोग बोलते नहीं, जो बोला जाता ना गरज, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हम लोग गरजते नहीं, हम लोग बरसते वाले। शानदार, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ आपके सामने हेडिंग है तीन का धमाल। तो ये तीनों लोग हम ही लोग हैं सर, तीन का धमाल, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और हमारे टीचर और मैथ्स के लिए आपसे जुड़ेंगे। और जैसा भी आप लोग सोच रहे हैं सर मैथ के बारे में बताए नहीं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैथ्स कैसे मैं पढ़ाऊं। देखिए दोस्तों, चैप्टर वाइज तो आपने पढ़ रखा होगा या फिर नहीं पढ़ रखा होगा, तो मैं चैप्टर वाइज तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे एक बात दो बातें पूछूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही क्लास लूंगा। आपको जो अच्छा लगेगा कमेंट आज जरूर करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं कमेंट आज कमेंट जरूर करें। तो मैं आपको बता रहा हूं दो तरीका, जो आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप कमेंट में कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ें, और चैप्टर वाइज तो आप लोग पढ़ रखे होंगे, जहां तक मेरा अनुमान अभी तक तो चैप्टर वाइज आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़े होंगे तो बच्चे भी कमेंट करते हैं, उनको भी मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे माइंड में एक और आइडिया तो दूसरा वो है टॉप 300 क्वेश्चन की, टॉप 300 क्वेश्चन सीरीज की, या फिर उसको 500 कर दीजिए, टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की। दोस्तों इससे क्या होगा, जो मैं टॉप 500 क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी पिछले साल प्रीवियस ईयर पूछा उससे पहले जो भी पूछा गया सब कराऊंगा, और आपका एक भी नंबर और कुछ अपने पास से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाऊंगा जो एग्जाम में पूछ सकता है। यानी कि हमारा लक्ष्य हर एक सब्जेक्ट में 100 in 100, आपका एम ही होना चाहिए 100% एम होना चाहिए, जो कि 70 नंबर आपके थ्योरी में पूछा जाता है और 30 नंबर होता है आपके प्रैक्टिकल के लिए। तो 70 में 70 लाने का प्रयास करना। तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है या टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज पढ़ने हैं, या आप कमेंट आज जरूर करिएगा, उसी के अनुसार मैं अपना क्लास लूंगा। तो दोस्तों अंत में एक चार पंक्तियों के साथ हम इस क्लास को सेशन को खत्म करते हैं। और ये तीन का धमाल शेयर करिएगा आप लोग दोस्तों, तीन का धमाल, और ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच पाए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।